नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि ब्लॉगर माइक्रो नीच ब्लॉग क्या है, तो उसमें बहुत सारा क्वेरी मेरे से पूछा गया था। आज मैं वही कुछ क्वेरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जो ब्लॉगर है वो 1000 व्यू में आपको कितना पैसा देता है। तो आज मैं इसका आंसर आपको देने जा रहा हूँ। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, सबसे पहला बात है कि जो भी आप ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट करते हैं, ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डालते हैं, जब आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो उस पर एडवर्टाइज आना चालू होता है। तो आपका जो भी पेमेंट बनना है या जो भी ब्लॉगिंग से जो भी पैसा आएगा तो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होने के बाद ही आएगा। सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। गूगल सेंस का अप्रूवल लेने के बाद आपका अगर कोई कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर, कोई भी जो आपका सब्सक्राइबर है, वो अगर आपका ब्लॉगर खोलता है, आपका साइट्स खोलता है, और साइट्स खोलने के बाद में अगर वो आपके एडवर्टाइज पे क्लिक करता है, ध्यान दीजिएगा बात को, एडवर्टाइज पे क्लिक करता है, नहीं कि एडवर्टाइज सिर्फ देखता है, आप उसने आपका पेज खोला, आपने लिखा, जैसे कोई भी वेबसाइट है आपने उसका बारे में कुछ लिखा है, तो अगर उसको खोला, अगर उसमें सिर्फ एडवर्टाइज चल रहा है, उसने उसको क्लिक नहीं किया, तो आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट, ना के बराबर अमाउंट मिलेगा। लेकिन आपको पैसा तभी मिलेगा जब कोई आपके एडवर्टाइज पे क्लिक करेगा। तो उस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो 1000 व्यू पे अगर 1000 पेज व्यू आपका हुआ है तो उस केस में 30 या 40 आपका क्लिक हुआ होगा। देखिए, आप बोलिएगा कि जब कुछ तक क्लिक करेगा नहीं तब तक वो क्लिक होगा कैसे? दोस्त, क्लिक हो जाता है। अगर आप वेब पोर्टल का एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसे डोमेन नेम कहाँ से परचेज करें, कहाँ से होस्टिंग करें, इसका एडवर्टाइज आपके अगर वेबसाइट पे आ रहा है और आपका जो ब्लॉग है वो उसी टेक्निकल के टर्म में ही लिखा हुआ है, तो जो भी यूज़र आएगा आपका, आपके पेज पे जो पहुंचेगा, जो देखेगा, तो वो उस एडवर्टाइज पे क्लिक करेगा ही करेगा। और नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, देखिए, अगर 1000 विजिटर आपके पेज पे आया है तो 40 या 50, आप लिख के रखिए 40 से 50 आपके पेज पे आएगा ही आएगा। 40 से 50 अगर आपके पेज पे आता है तो अगर CPC 0.03 से भी अगर चल रहा हो तो उस केस में आप $1.20 लगभग 40 क्लिक आया आपके पास में और CPC है 0.03, तो 40 × 0.03 अगर आप करते हैं $1.20 का अमाउंट आपके पास क्रेडिट होगा। दोस्तों, ये सिर्फ मैं एडसेंस का बात बता रहा हूँ और ये मैंने बहुत ही, अगर आप हिंदी में लिखते हैं, अगर हिंदी कीवर्ड में लिखते हैं तो आपको जो CPC मिलता है कम मिलता है, 0.3 का मिल रहा है। मैं उस केस में बताया हूँ कि 1000 व्यू पे लगभग आपको $0.25 मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हताश नहीं होना है। देखिए, जब आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं उस समय तो आपके पास पेज पे कोई व्यू आता नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे, जैसे गूगल कंसोल में आप उसको डालते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा एडवर्टाइज करते हैं, थोड़ा आपका पेड जो आपका लोकल ऑर्गेनिक सर्च होता है, तो उससे धीरे धीरे आपके वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो सुधरती है। देखिए, स्टार्टिंग में कभी भी जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो उस पर आपकी जो व्यू है बहुत कम ही आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैक्टर काम करता है, आपने कितना कंटेंट लिखा है, किस कीवर्ड का आपने यूज किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जब आप वो लिखते हैं, जो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा, आप उसका जो डोमेन नेम जो आपने परचेज किया है, वो आपने करेंटली परचेज किया है, तो कम से कम उसमें आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा उस डोमेन नेम को सर्वर पे पूरी तरह एडजस्ट होने में, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को गैदर करने में, ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको उस जो आपका डोमेन नेम है उसको आपको डिफरेंट जगह पे, आपको कम से कम खुद से ही दूसरे के मोबाइल पे लिख करके उस पर, जैसे मेरा जानकारीज.com मेरा वेबसाइट है, तो मैं उसको www.जानकारीज.com करके दूसरे के साइट पर जाकर खोलूँगा, उसको देखूँगा एक बार। देखिए, ज़्यादा नहीं करना है, ये मैं आपको ज़्यादा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, 1-2 बार कम से कम कैपेबल हो जाए कि वो आप जैसे टालते हैं तो बुकमार्क ले लेगा, नेक्स्ट टाइम आप दोस्त के मोबाइल पर जाइएगा, जैसे ही www डालिएगा तो उस समय आपको ये नहीं बताएगा कि ये नया साइट है, उसमें लगेगा कि इसे खोला गया। तो आप ऐसे ऐसे अगर आप करते हैं तो कुछ दिन में आपका साइट जो है
धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। तो जो डोमेन का जो ड्यूरेशन होता है, डोमेन जितना पुराना होता है आपका साइट रैंक होने का उतना ही ज़्यादा चांस होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है इस चैनल में, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि आप 1,000 व्यू पे $1.25 तक कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका CPC हाई है, जो कि बहुत केस में होता है, उस केस में आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।